ये संसार बड़ा ही विचित्र है। ये दुनिया दिखावे पर चलती है। यहाँ पर कोई भी नियम कानून हमेशा के लिए नहीं होता। समय और परिस्थितियों के साथ साथ सब बदलता रहता है। ऐसा ही कुछ होता है अपने और पराए रिश्तों के साथ। कभी कभी कुछ लोग अपने रिश्तेदार ना होकर भी अपने से हो जाते हैं और खून के रिश्ते परायों जैसे लगने लगते हैं। पर इंसान इस अपने पराए के भेद को नहीं समझ पाता जब तक कि उस पर बुरा वक्त नहीं आता, क्योंकि अच्छे वक्त में सभी अच्छे बने रहते हैं। पर सच्चाई का पता सिर्फ बुरे वक्त में ही चल पाता है। इसी वक्त में इंसान की सच्ची परख होती है कि कौन अपना है और कौन पराया। अपने तो बहुत मिल जाएंगे जो हमेशा कहते मिलेंगे कि हम तो आपके अपने हैं या आप हमारे अपने हैं, हम जीवन में आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या वास्तव में वो अपने होते हैं? नहीं, शब्दों से कोई अपना नहीं होता। कुछ लोग शब्द बड़े ही मीठे बोलते हैं और हमेशा दूसरों को अपने शब्दों के जाल में फंसा कर रखते हैं, जिससे कि उनकी सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंच पाती और लोगों को लगता रहता है कि ये बड़े ही अच्छे लोग हैं, बुरे वक्त में ज़रूर काम आएंगे। पर सच्चाई ये है कि अपना होता है व्यवहार से, अपना होता है सुख दुख में साथ खड़े होने वाला, अपना होता है जब सारी दुनिया विरोध में खड़ी हो तब कंधे से कंधा मिलाकर दुनिया को चुनौती देने वाला। और ऐसे अपने बड़े ही दुर्लभ होते हैं। अपने सगे भी साथ छोड़ देते हैं बुरा वक्त आने पर, लेकिन कहीं कोई अपरिचित हाथ बढ़ा देता है तब जब दुनिया में बिल्कुल अकेले पड़ जाओ। कहीं कोई अपरिचित भोजन देता है, कहीं कोई अपरिचित पानी पिला देता है, कहीं कोई अपरिचित रहने के लिए आश्रय देता है बिना कोई शर्त रखे और बिना किसी स्वार्थ के। कहा तो ये भी जाता है कि जब कोई अपना कहीं पर दुखी होता है या कष्ट में होता है तब अपनों को आभास हो जाता है, भले ही वे कितने ही दूर क्यों ना हो। लेकिन जो शब्दों से अपने होने का दावा करते हैं उन्हें आपके आंसू भी दिखाई नहीं देंगे, भले ही वे आपके कितने ही पास हों। वह आपके मन के दर्द को कभी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कभी भी अपना होने का दावा मत करिए, क्योंकि कौन अपना है और कौन पराया यह बिना कहे ही पता चल जाता है। यदि किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसे बार बार कहने या दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। सीधे बुरे वक्त आने पर औरों के साथ खड़े हो जाइए, और यही अच्छे और सच्चे होने की सबसे बड़ी पहचान भी है। वैसे सबसे ज़्यादा अपनापन माँ से ही मिलता है। दुनिया में यदि कोई सबसे पहले अपना है तो वो माँ है, क्योंकि माँ ही इस दुनिया में अकेली इंसान है जिसने आपसे निस्वार्थ प्यार किया, आपके जन्म होने से पहले प्यार किया, जबकि माँ को तो पता भी नहीं था कि आप लड़का हो या लड़की, काले हो या गोरे। इस पूरी दुनिया में बुरा वक्त आने पर माँ कुछ और कर पाए या ना कर पाए, पर हमारे साथ खड़ी जरूर रहती है, हमारे लिए दुआएं करती है, जितना हो सके हमारी बेहतरी के लिए कोशिशें करती है, भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करती है। यदि इस कहानी को पढ़कर आप अपने और पराए के भेद को समझ पाए हों तो ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानियाँ पढ़ना और सुनना चाहते हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी प्रेरणादायक कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।